नूरपुर के गांव सदबा में 43 वर्षीय सुरेंद्र कुमार बीएसएफ की 9वीं बटालियन में कार्यरत थे का हृदय गति रुकने के कारण मौत हो गई। सुरेंद्र कुमार 9वीं बटालियन में सांबा में तैनात थे। सुरेंद्र के भाई सोमराज ने बताया कि ड्यूटी के दौरान उन्हें दर्द हुआ और उनका इलाज किया गया। यहां वो ठीक हो गए, बाद में फिर दर्द उठा और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही सुरेंद्र कुमार ने दम तोड़ दिया। सुरेंद्र कुमार के शव के साथ आए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर इंद्र कुमार ने बताया कि रात को सुरेंद्र की छाती में दर्द हुआ और उसे उसी समय इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। यहां रास्ते में सुरेंद्र कुमार ने दम तोड़ दिया। कल रात सुरेंद्र कुमार का शव उनके गांव सदबा पहुंचा। पूरे गांव में मातम छाया हुआ था, हर किसी की आंखें नम थी। आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ सुरेंद्र कुमार को अंतिम विदाई दी गई। सुरेंद्र कुमार के बड़े बेटे जतिन ने उन्हें मुखाग्नि दी। बीएसएफ के जवानों द्वारा सुरेंद्र कुमार को श्रद्धांजलि दी गई और नूरपुर के तहसीलदार डॉक्टर गणेश ठाकुर ने भी सुरेंद्र कुमार को श्रद्धांजलि दी। नूरपुर के कस्बा जसूर में जगह जगह खंभे पर लगी बिजली की नंगी तारें किसी बड़े हादसे को न्योता दे रही हैं। जसूर के पूरे बाजार में लगे खंभों पर नंगी तारें नजर आ रही हैं। लोगों का कहना है कि जब तूफान आता है तो तारें जोरदार हवा के साथ हिलती हैं। डर लगता है कि कहीं नंगी तारें खंभे के साथ छूने से किसी बड़ी घटना को न्योता न दें। इस बारे में जब विद्युत विभाग के एक्सीएन जफर इकबाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये समस्या मेरे संज्ञान में है। जसूर में कुछ खंभों पर बिजली की सर्विस दी गई है जो बेतरकीब ढंग से लगाए गए हैं। फौरी तौर पर उन जोड़ों को टेपिंग कर दी जाएगी। इसके साथ ही हम कुछ योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। जितने भी टाउन हैं जिनमें नंगी तारें हैं उनको अच्छी तरह से ठीक किया जा रहा है ताकि तूफान बारिश इत्यादि में किसी भी तरह का कोई नुकसान न हो। सोलन में हिमाचल का पहला हेल्थ जिम खुला है। हेल्थ जिम का शुभारंभ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने किया। इस जिम की खास बात ये है कि इसमें कसरत के साथ साथ फिजियोथेरेपी भी दी जाएगी, इसलिए ये जिम केवल युवा ही नहीं बल्कि वृद्धों के लिए भी प्रदान साबित होगा, क्योंकि आज की भागदौड़ की जिंदगी में कोई भी अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से जोड़ों के दर्द और स्पोंडेलाइट्स जैसी बीमारियां हर उम्र के लोगों को घेर रही हैं, जिससे दवा से नहीं बल्कि फिजियोथेरेपी से ही ठीक किया जा सकता है। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने बताया कि समाज में फिजिकल कल्चर लाना बेहद जरूरी है ताकि लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें। उन्होंने कहा कि जब लोग वृद्ध होने लगते हैं तो शरीर आहिस्ता आहिस्ता साथ छोड़ने लगता है, तब फिजियोथेरेपी अहम रोल निभाती है। उन्होंने कहा कि ये हेल्थ जिम हिमाचल का पहला ऐसा जिम है जिसे हेल्थ जिम की संज्ञा मिली है। इसका लोगों को बेहद फायदा मिलने वाला है। सोलन हिमाचल का सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक जिला है। यहाँ समूचे हिमाचल का 70% टमाटर का उत्पादन यही होता है। यहाँ टमाटर का मूल्य कुछ ही दिनों में डबल हो चुका है, जिसका मुख्य कारण मानसून का जल्द आना माना जा रहा है। टमाटर के साथ सब्जियों के दाम भी आसमान को छू रहे हैं। टमाटर का मूल्य 30 से 50, आलू 20 से 25, प्याज 20 से 30, भिंडी 20 से 40, बीन 20 से 40, शिमला मिर्च 30 से 60, गोभी 20 से 40 रुपए हो चुका है। यही वजह है कि आम जनता का जीना मुश्किल हो चुका है और उसका बजट महंगाई के कारण बिल्कुल बिगड़ चुका है। शहरवासियों ने कहा कि सब्जियों के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार इस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला रही है। उन्होंने बताया कि सब्जियों के दाम बढ़ने की वजह से घर चलाना मुश्किल हो चला है।
वहीं दुकानदारों और आढ़तियों ने बताया कि बारिश की वजह से जहां महाराष्ट्र की फसल खराब हुई है, वैसे ही हिमाचल में भी टमाटर की फसल खराब होने की कगार पर है। टमाटर की मांग समूचे हिमाचल में बढ़ चुकी है, जिसके चलते टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं फ्रांस बीन को छोड़कर सभी सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं। ये सारा खेल मांग और पूर्ति पर आधारित माना जा रहा है। मांग बढ़ने और बरसात की मार के कारण बढ़ रहे हैं सब्जियों के दाम।